शहरे औलिया को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। डब्ल्यूएमसी ने 35 करोड़ रुपए से नई मशीनरी खरीदने के लिए 2 हफ्तों में टेंडरिंग शुरू करवाने का फैसला कर लिया। 100 बड़े कंटेनर्स, 40 छोटे कंटेनर्स, 1400 हैंडकार्ट्स और 70 सुजुकी पिकअप्स गाड़ियां खरीदी जाएंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 135 गाड़ियों में से 120 ऑपरेशनल करार। नाकाबिले इस्तेमाल मशीनरी को थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद ऑक्शन कराने का ऐलान। मुल्तान का पहला नंबर। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुल्तान में गिरा फरोशों के खिलाफ 18,000 से जायद कार्रवाइयां करके लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ दिया। हुकूमत पंजाब ने जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की रिपोर्ट जारी कर दी। हर महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वालों की शामत आएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जखीरा दोस्तों के खिलाफ खुद हर एक मंडियों में अशिया खुरनोश और सब्जियों का लाया जाने वाला स्टॉक मॉनिटर करने का फैसला। मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी काजी मंसूर को हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर शानुल हक का मुल्तान की सदियों पुरानी मजहबी और सकाफती अहमियत उजागर करने का फैसला। कमिश्नर ने दरबारों की तज़ीन व आरायश और कला कुहना की तारीखी हैसियत बहाल करने का हुक्म दे दिया। दरगाह हजरत शाहरुख़ आलम और बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात पर हाजिरी दी। दरगाहों पर चादर चढ़ाई, मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की। जदीद टेक्नोलॉजी से अमरूदों की पैदावार में होगा इजाफा। बहावलपुर में पहली बार अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद के बाग का तजर्बा। 1 एकड़ में अमरूद के 80 पौधों की बजाय 2,200 पौधे लगाए जाएंगे। बागबानों का कहना है अमरूद का बाग ड्रिप इरिगेशन पर लगाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी मुल्क के लिए तकदीर बदल देगी। शाहाना और पुरतश शादी करने वाले होशियार हो जाएं, कहीं महंगी शादी और भी महंगी ना पड़ जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तोहफों का रुख नए जोड़ों की जानिब कर लिया। FBR बहावलपुर का शादी हॉल्स में महंगे फंक्शंस करने वालों के खिलाफ टैक्स नोटिसेज भिजवाने का फैसला। टीमें तश्कील, शादी हॉल मालिकान से शहरियों का डाटा तलब कर लिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ मियांवाली का कोई वाले वारिस नहीं। महकमा वाइल्ड लाइफ में कई सालों से खाली आसामियां पूर ना हो सकी। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ समेत 9 सीटें खाली। पूरे इदारे की कमान 2 अहलकार संभालने लगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जमंद का कहना है कि रवां साल के दौरान इदारों की खाली असामियां पूर कर दी जाएंगी। हमने गवर्नमेंट को लिख रखा है इस मामले में कि मियांवाली क्योंकि काफी अहम वाइल्ड लाइफ के हवाले से और शिकार के हवाले से अहम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हमारे पास जिना बिराज भी है, माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पे विजिट करते हैं, तो इंशाल्लाह हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इसी सीजन में जो डेफिशिएंसीज हैं वो फिल कर दी जाए। असामिया बजट और दीगर लवाजमात की तकमील के लिए कोशिशें तेज। कमिश्नर डीजी खान नसीम सादिक का डेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को जल्द फंक्शनल करने का फैसला। हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। टास्क की तकमील के लिए सिफारिशात लाहौर हर साल। कमिश्नर ने इजलास में DDA की तजावीज करदा स्कीम्स पर ब्रीफिंग दी। बहावलपुर में करप्ट अफसरान की खैर नहीं। कोई भी अहलकार करप्शन में मुलव्वस हुआ तो महकमाना कार्रवाई होगी। कमिश्नर आसिफ इकबाल ने खुले कचहरी में वाज़ेह कर दिया। तहसीलदार ऑफिस और इराजी रिकॉर्ड सेंटर को करप्शन फ्री करने का हुक्म। शेड्यूल बनाने की भी हिदायत जारी कर दी। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। 2 साल गुजर गए, कोट अदू में रेस्क्यू 1122 की इमारत फाल ना हो सकी। रेस्क्यू अमला और मशीनरी ना मिलने के बायस इमारत को ताले लग गए। 14 लाख आबादी की तहसील रेस्क्यू सर्विस से महरूम। शहरियों का आला हुकाम से प्रोजेक्ट फंक्शनल करने का मुतालबा। गरीब आवाम मुफ्त इलाज के लिए भी इंतजार की सूली पर लटकने लगे। पंजाब हुकूमत ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और सिविल अस्पताल बहावलपुर के रवां साल के ज़कात फंड ताहाल जारी नहीं किए। गरीब मरीज 6 माह से मुफ्त इलाज से महरूम। कोटाबास में वार्ड नंबर 10 का सिवरेज सिस्टम मुकम्मल नाकारा। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। उधर यजमान में भी 32 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला मेगा प्रोजेक्ट अल्तबा का शिकार। सिर्फ 15% मुकम्मल हो सका। उधर जागपुर ऊद शरीफ में भी गटरों का पानी जमा। इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना।
लियाकतपुर में ट्रांसपोर्ट माफिया का राज, आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। जायद किरायों का सिलसिला थम ना सका। आरटीए सेक्रेटरी का रोही की खबर पर एक्शन, किराया नामा ना होने पर ट्रैफिक पुलिस ने एसी कोच अमले को चालान कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन, मिलावट से पाक सेहतमंद पंजाब। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ का शेरशाह रोड, मुजफ्फरगढ़ में मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। गले सड़े फलों और सब्जियों को केमिकल्स लगाकर अचार तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। 25 किलो अचार बरामद, फंगस लगा 12 किलो अचार तल्फ कर दिया गया। बहावलपुर के इलाका टिब्बा बदरशेर में 18 साल फातिमा की मुबैना अगवा का मामला, एक साल भी पुलिस लड़की को बाजियाब ना करवा सकी। मुबैना तौर पर अगवा होने वाली फातिमा के बुरसा, डीपीओ ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज, नारेबाजी और बाबे इख्तियार से हसूल इंसाफ का मुतालबा कर दिया। थाना कैंट बहावलपुर में जिशान नामी नौजवान पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मर्दों खातीन की डीपीओ ऑफिस में घुसने की कोशिश, रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, आला हुकाम से हसूल इंसाफ का मुतालबा। बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर शहरियों को लूटने का मामला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान ने गिरफ्तार मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। मुलजिम सईद के खिलाफ शहरी इब्रार ने 2,56,000 रुपए बटोरने का मुकदमा दर्ज किया था। जाली फर्द बनाकर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला, मुल्तान में एंटी करप्शन अदालत ने गिरफ्तार पटवारी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन ने पटवारी शाहिद यूसुफ को हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया। बहावलपुर में लाइब्रेरी चौक से मशकूक कार बरामद, हसास इदारों ने मशकूक कार को घेरे में ले लिया। क्राइम सीन और बम डिस्पोजल की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। कार में चाबी, पर्स, मोबाइल और दीगर दस्तावेज मौजूद। कार कहां से आई, किसकी है, कार का मालिक कहां है, तहकीकात जारी। सुई नॉर्दर्न गैस मुल्तान में सीबीए के इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। जुबैर खान ग्रुप, शहजाद इकबाल और राजा मुख्तार ग्रुप आमने सामने। रहीम यार खान में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की क्यादत में कश्मीर मार्च, अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, जेआई यूथ के मरकजी सदर जुबैर अहमद गोंदल, जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अनवर हक, अमरी शहर ताहिर फूर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर मार्च टाउन हॉल से शुरू होकर रेलवे चौक पर इख्तिताम पसीर हुआ। जमात इस्लामी का रेलवे चौक रहीम यार खान में कश्मीर मार्च के बाद जलसा, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की शिरकत। खिताब में कहा, कश्मीर में 124 दिन से कर्फ्यू नाफिज है, मुसलमान कभी शिकस्त कबूल नहीं करता, हमें कश्मीरियों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। रहीम यार खान में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार जाम की बेटी का निकाह, अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने निकाह पढ़ाया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर, जलाई सदर, पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार जफर खान समेत अहम शख्सियात की शिरकत। बहावलनगर में सूबाई वजीर उशरो ज़कात मियां शौकत अली लालिका से पीटीआई रहनुमा राव मुदस्सर की मुलाकात, कारकुनान के मसाइल और जिले में पार्टी सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई वजीर मियां शौकत लालिका ने पार्टी कारकुनान के तमाम जायज तजावीज पर अमल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। पंजाब भर में रहीम यार खान के टीएचक्यू ने हाजिरी पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। खानपुर, लियाकतपुर, सादिकाबाद के टीएचक्यू अस्पतालों में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल अमले की बेहतरीन हाजिरी पर पहली पोजीशन। असिस्टेंट कमिश्नर जिशान नदीम का एराजी रिकॉर्ड सेंटर मियां चन्नू का दौरा, मुलाजमीन की हाजिरी चेक की, किसानों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए इंचार्ज एराजी रिकॉर्ड सेंटर और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को हिदायत जारी की। ग्रीन एंड क्लीन चैंपियनशिप में बहावलपुर को पहले नंबर पर लाने की तैयारियां, इंतजामिया सरगर्म। डीसी शौसब सईद का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले के हमराह अंदरून शहर का दौरा, बॉल्ड सिटी में कायम भाने और कचरा प्वाइंट्स खत्म ना करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने का इंतजाम।
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ शुएब तरीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मरीजों की आयादत की, अस्पतालों में सफाई और सिक्योरिटी निजाम बेहतर बनाने की हिदायत की। उधर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड बकास रशीद का टीएचयू अस्पताल मेलसी का दौरा, सफाई की नाके सूरत हाल पर एमएस पर इजहार बरहमी, मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शेराजी का स्लाटर हाउस का दौरा, ड्यूटी से गायब लाइफ स्टॉक डॉक्टर तैयब की जवाब तलबी कर ली, सफाई सुथराई ना होने पर दीगर अमले की सरजनेश, कहा निकम्मे अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन शाह ने भी सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया, महंगे दामों टमाटर फरोख्त करने पर दो अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया, नाजायज तजावजात को भी फौरी खत्म करने का हुक्म। उधर असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड पक्का मलिक अहमद फराज अवान का सब्जी मंडी का दौरा, फ्रूट और सब्जियों की क्वालिटी को चेक किया, अपनी निगरानी में बोली भी करवाई। शहरियों को मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक, मुआवन खसूसी रफाकत अली गिलानी का असिस्टेंट कमिश्नर लैया नियाज अहमद के हमराह सब्जी मंडी का दौरा, सफाई और बोली के निजाम का जायजा लिया, मुकर्रर नरखों पर अशिया की फरोख्त को भी चेक किया। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल फैसल शहजाद का सर्कल कबीरवाला का दौरा, अफसरान के साथ मीटिंग की।